तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतरिक्ष टीवी इंडिया पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। स्पेसएक्स के राप्टर इंजन और स्टारशिप के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स तो दोस्तों आपका है, आप उसमें हर मिशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टारशिप एसएन 11 को फेल हो जाने के बाद स्पेसएक्स ने स्टारशिप एसएन 12, 13 और 14 को डिले करके अब एसएन 15 को लॉन्च करेगा, क्योंकि दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है और उस डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया गया है। दोस्तों, उसका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, राप्टर इंजन का वो जो वर्जन 1 था उसको हटाकर अब मार्क 2 इंजन लाया गया है। राप्टर इंजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिसके कारण यह इंजन अब और अच्छे तरीके से रीयूजेबल रॉकेट इंजन बन पाएगा। दोस्तों, अगर राप्टर का इंजन इसी तरह फेल होता रहता है तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है स्पेसएक्स को, क्योंकि दोस्तों उसे अभी ह्यूमन मिशन करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह तो अभी काफ़ी दूर है, स्पेसएक्स का खुद कहना है कि काफ़ी दूर है। दोस्तों, अभी तो इसका पूरा रॉकेट का फ्लाइट भी नहीं हुआ है, इसका पूरा रॉकेट का फ्लाइट होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और साथ ही साथ इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट बाकी है। इसे अभी स्टेनलेस स्टील का बनाया जा रहा है और काफ़ी शानदार इसका इंजन को डेवलप किया गया है। दोस्तों, अगर आप स्पेसएक्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आई बटन है दोस्तों यहाँ पर, उसमें क्लिक करके स्पेसएक्स के रॉकेट एसएन 11 के बारे में वीडियो देख सकते हैं। उसके नीचे और प्रकार की वीडियो मैंने आपके लिए पहले से बना के रखी है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, स्टारशिप एसएन 15 को बनाकर लॉन्च करना यह दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों स्टारशिप एसएन 11 को अभी लॉन्च नहीं करना चाहिए था। जिस समय फॉग हो रहा था दोस्तों, उस फॉग के कारण रॉकेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और कुछ अलग तरीके के चेंजेस देखे गए दोस्तों, जिसके कारण किसी भी वीडियो में ब्लास्ट का जो स्टारशिप एसएन 11 ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट का वीडियो दोस्तों किसी के पास है ही नहीं। लोग वीडियो बना रहे, देख रहे हैं स्टारशिप वापस आया है, उसका आवाज़ भी आया दोस्तों कि स्टारशिप लैंड होने के लिए वापस आया है। और लेकिन दोस्तों, फॉग होने के कारण स्टारशिप एसएन 11 को किसी भी कैमरा ने कैप्चर नहीं किया, जबकि स्पेसएक्स को थोड़ी देर रुक जाना था। अगर रुक जाता तो फॉग क्लियर हो जाता, और फॉग क्लियर हो जाने के बाद यह आराम से लॉन्च कर सकते थे, इनके पास लॉन्च विंडो था। तो दोस्तों, इनका यह लापरवाही इन्हीं के लिए भारी पड़ गई है, इस रॉकेट से इनको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। यह टेस्ट इसीलिए किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर रॉकेट से हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ गलत इसमें लगा है तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि स्टारशिप को एसएन 11 को लॉन्च करना था या नहीं करना था दोस्तों। लेकिन मेरा तो दोस्तों पर्सनली यही कहना है कि स्टारशिप एसएन 11 को फॉग के द्वारा लॉन्च नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ डिटेक्ट कर सकता है रॉकेट में कोई गड़बड़ी है तो दोस्तों वह सिर्फ कैमरा है। और दोस्तों, कैमरा की मदद से ही हम स्पेस शटल में, आप देख सकते हैं कल्पना चावला जब ऊपर जा रही थी रॉकेट के जरिए, स्पेस शटल के जरिए, तब कैमरे ने ही डिटेक्ट किया था कि फोम का टुकड़ा टूटा और स्पेस शटल की विंग पे जाके गिरा और वहां उसने क्रैक कर दिया और दोस्तों लौटते समय उनका यान स्वाहा हो गया। इसीलिए दोस्तों कैमरा को बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं दोस्तों, गोप्रो जैसे कई सारे कैमरे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे होते हैं, टेलीस्कोप कैमरे होते हैं, रॉकेट को डिटेक्ट करने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, स्पेसएक्स ने जो हड़बड़ी में इसको लॉन्च कर दिया दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है स्पेसएक्स की। लेकिन दोस्तों, आई होप अगली बार से अगर स्पेसएक्स लॉन्च करेगा तो फॉग में तो दोस्तों नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं का घाटा है इसमें। तो दोस्तों यही कहना था आपके बारे में, यही छोटा सा अपडेट था मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि स्पेसएक्स को तो फॉग में रॉकेट लॉन्च नहीं करना चाहिए था। और इनका इंजन, माय गॉड दोस्तों, इनका इंजन तो बार बार बुम हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, F1 इंजन को जब बनाया जा रहा था, नासा जब F1 इंजन को बना रहा था, जब उसकी वो क्या बोलते हैं उसको सैटर्न 5 रॉकेट जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था, तब उसकी इंजेक्टर प्लेट को डेवलप करने में नासा को करीब 1 साल लग गया था दोस्तों, तब जाकर F1 इंजन को तैयार किया और तब मून लैंडिंग की कर पाए थे। और दोस्तों, यह जो एलन मस्क बोल रहे हैं 2024 में हम मून पर पहुंचेंगे दोस्तों, वो तो होना ही नहीं है, बेस्ट ही सिनेरियो में दोस्तों होना ही नहीं है और ना ही होगा। क्योंकि दोस्तों 2024 में अगर आपको पूरे रॉकेट का फ्लाइट फुल रीयूजेबल के साथ अगर हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों इनके लिए।
और दोस्तों अभी इनको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है SN15 यानी कि दोस्तों SN15 जो लॉन्च होगा उसके बाद ही क्लियर किया जाएगा कि हमारा रॉकेट सही से काम कर रहा है नहीं। और अभी बहुत ज्यादा टेस्टिंग बाकी है इसके। और सुपर हैवी बूस्टर दोस्तों, सुपर हैवी बूस्टर जो कि नीचे का बूस्टर जिसमें 58 राप्टर इंजन होने की बात की जा रही है, जिसमें 28 राप्टर इंजन होंगी, उसको भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी काफी दूर है, वो भी मतलब बनकर तैयार हो गया है, दिखाई दे रहा है कि हाँ रखा है, लेकिन अभी उसको काफी ज्यादा टेस्टिंग से गुजरना है दोस्तों। और आप सभी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है, अगर स्टारशिप SN9 SN8 इन्होंने बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रॉकेट बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों। अभी पूरे रॉकेट को रिफाइन किया जाएगा, उसे एक एक गलती पकड़ी जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा को फाल्कन 9 की तरह नहीं है। फाल्कन 9 तो आता था और सीधा लैंड हो जाता था दोस्तों, इसको तो बेली फ्लॉप मनूवर भी करना है। अब दोस्तों यह बेली फ्लॉप मनूवर क्या है, बेली फ्लॉप मनूवर किसी भी रॉकेट को रीएंट्री के दौरान करनी पड़ेगी। स्पेस शटल करता था, स्टारशिप भी करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर बेली फ्लॉप मनूवर नहीं करेगा तो रॉकेट हवा में ही जलकर स्वाहा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए स्टारशिप SN11 को बेली फ्लॉप मनूवर करना सीखना होगा और उसमें हीट शील्ड लगाई जाएगी। अगर दोस्तों हीट शील्ड नहीं लगाते हैं तो फिर तो बात ही नहीं करना दोस्तों। वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों स्टारशिप को अभी काफी ज्यादा टेस्टिंग से गुजरना है दोस्तों। और राप्टर इंजन में भी अभी काफी ज्यादा इंजीनियरिंग बाकी है। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तो बाय दोस्तों।